सो अनदर डे एट दुबई और अब मैं आई हूँ मरीना। यहाँ से आप ट्रेन भी ले लें, ट्रेन के बाद ट्रैप आती है और ट्रैप लेने के बाद फिर आप मरीना की तरफ जाएं और मरीना में इजीली आप बाय वॉक जो है वो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी ये है कि जब आप देखेंगे ये जो है ये मरीना का ये वो है जो ट्रैप का एरिया वो है और ये इनका स्टेशन भी है। इट्स वेरी नाइस, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा रहता है, इजी एक्सेस, इजी है जाना, इजी है एक जगह से दूसरी जगह, तो अच्छा रहता है। और बस ये कि जारी बात है जो टैक्सी में आपके पैसे खर्च होते हैं उससे आप बच जाते हैं। जब आप ट्रेन यूज़ करेंगे तो उससे ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपके पैसे बच जाते हैं। सो इसमें आपको जो लेना पड़ेगा वो शोभा डे आई थिंक उनका जो है आपको स्टेशन लेना होगा और उसके बाद फिर आप मरीना की तरफ जाएंगे। मरीना का फिर आपको जो है ना एक और आपको फिर ट्रैम्प जो है वहीं से ले मिलेगी। वॉक करेंगे तो काफ़ी दूर चल कर जाना पड़ता है, इस टाइम का इसलिए जो है ना वो मरीना तक आप मरीना बीच तक आप पहुँच सकते हैं। वेरी नाइस व्यू, अब आपको मैं व्यू दिखाती हूँ, थोड़ा सा आप जरा व्यूज़ चेक करें ट्रेन के। गवर्नमेंट है उन्होंने बड़ा फैसिलिटेट किया हुआ है कि साफ़ सुथरा माहौल दिया हुआ है।
बड़ी मुश्किल से किसी कंट्री में मिलता है, स्पेशली पाकिस्तान में, जहाँ पर लोग कपड़ा फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, जो चिप्स खाते हैं वहीं पर ही फेंक देते हैं, नेचर को गंदा करते हैं। देखिए प्लास्टिक जो है वो आर्टिफिशियल है ना, गंदगी फैलाएँ, साफ रखें। बस फिरते फिरते रात हो जाती है और इसी तरह वहाँ पर खाना पीना भी मिलता है, सस्ता खाना भी है, महंगा खाना भी है, जिस तरह का आपका अपना दिल करता है आप उस तरह का खाना वहाँ पर खाएं। और इट्स लाइक ब्यूटीफुल टाइम आप वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। देखिए ये पूरा आपको ट्रैप मिलेगी वहाँ पर और ये पूरा वहाँ पर आपको एरिया को घुमाएगी, उसके स्टॉप्स एंड डिफरेंट स्टॉप्स हैं, वहाँ पर भी रुकेगी और फिर शोभा लेके स्टेशन तक ही पहुँचाएगी और शोभा लेके स्टेशन फिर आपको जहाँ जाना वहाँ जा सकते हैं। बस ये 11 बजे तक होती है, इसके बाद ये नहीं होती है, तो उससे पहले पहले आपको जहाँ घूमना है फिरना है आप घूम फिर सकते हैं, फिर आपको टैक्सीज यूज़ करनी पड़ेंगी। तो दिस इज़ द नाइट लाइफ ऑफ मरीना वॉक अब आ गई है। और वहाँ पर जहाँ मैं गई थी उसका जो स्टेशन आता है वो JBR है, JBR ट्रैप से आपको JBR 1 नहीं JBR 2 में रुके तो आपको सीधा राइट साइड पर स्ट्रेट आपको घूमने लेकर जाएगी बीच पर, जो अच्छा वाला बीच, मज़ेदार बीच है। वैसे JBR 1 पे भी है, JBR 1 से थोड़ा सा दूर पड़ता है, JBR 2 पे आप उतरो। और ये मरीना वॉक है, अब ये बिल्कुल डिफरेंट माहौल है। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जो बोट रेस्टोरेंट है काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट रियली गुड टाइम। अब अगर वॉक करें बैठे हैं, और अगर आपको कोई एक बात है महंगा खाना खाना महंगा खाएँ, सस्ता खाना सस्ता खाएँ। लास्ट टाइम मीटिंग माई फ्रेंड अलवीना, जो वहाँ पर अब शिफ्ट हो गई है, और उनसे फिर मुलाकात हुई और हम दोनों जो हैं वो फन कर रहे थे साथ में बैठ कर, हमने इंजॉय किया, आई हैड रियली गुड टाइम विद हर। बातें की, कितने दिल की बातें बड़ी सारी होती हैं दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगा। और रिलैक्स मूड पर थे दोनों वहाँ पर, आप आराम से लेट जाओ, आपको कोई कुछ देखता नहीं है, बोलता नहीं है, यू नो whatever you want to do, you just enjoy yourself. Haciendo, pai. ये क्या कर रही हैं आप JBR में? JBR में यहाँ पे मैंने कहा इधर तकिया डाल के सो जावा। आगे की सेंसर टॉक हम आपको नहीं बता सकते कि यहाँ पे तो कोई मतलब छोड़े बस, अब हम आगे कुछ और क्या सेंसर था, सेंसर ये था ना कि मतलब कितने यहाँ पे पाकिस्तान में ले सकते हैं हम रोड पे ऐसे? नहीं कभी भी नहीं। चलो अच्छी बिल्कुल तमीज से जबान में हमने आपको बात समझाई और अब हम और कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, बस बिल्कुल ठीक है। अब आप दरख्त भी देख लें जरा नाजी, कितने प्यारे लग रहे हैं, हमारी आँख से ऐसे दरख्त नजर आ रहे हैं, देखिए दरख्त
अब आप वो देखें लंदन आई देखें सॉरी लंदन आई फिर वापस जब मैं घर आई तो पीटा एंड पीटा से खाना आया हुआ था, ज़बरदस्त खाना है। और ये लेकर आए थे मेरी दोस्त और बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। इस यहाँ का खाना तो आपने ज़रूर खाना है, चाहे तो आप इसे टेक अवे करवा लें चाहे इसे आप मंगवा लें, बहुत ही ज़बरदस्त। आई हैड ग्रेट टाइम। ज़रा खाना तो चेक करें, इसको देखने के बाद आपको भूख नहीं लग जाएगी क्या? बिल्कुल लगेगी। हाय, दिस नाज़िया मलिक एंड आई एम एट दुबई, जैसे आके आपको मालूम है। और ये बॉर्डर आया है बड़ा ही ज़बरदस्त पीटा एंड पीटा से, अमेजिंग रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। जो भी लोग दुबई में हैं इसका मौजूद, उनको मैं बताऊँ कि पीटा एंड पीटा में बहुत डिलिशियस खाना, एंड सेकेंडली आपको एक्सट्रीमली डिलिशियस खाना है। और अगर आपको बताऊँ, ये है अरजान में, ये रेस्टोरेंट जो है पीटा एंड पीटा, और ये बिल्कुल राइट नेक्स्ट टू आपको मिलेगा ये मिरेकल गार्डन के। और जो भी लोग वहाँ पर भी जा रहे हैं श्योरली वो तो यहाँ पर आके ज़रूर खाना खाएंगे, बहुत अच्छा गुड फूड। प्राइस रेंज बहुत अच्छी है, स्टार्ट फ्रॉम 10 dirham, जो बहुत ही अच्छे और रीज़नेबल है। सीरियसली किसी को अगर जो है दुबई में रहते हुए ऑर्डर भी करना हो तो आपको होम डिलीवरी भी बन जाएगी। एंड आई एम इन लव विद दिस फूड, यम्मी यम्मी पीटा एंड पीटा।